हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं बना चुका था नमस्ते। कौन एग्जाम। बोले थे? नमस्ते सर, कौन बोल रहा है? मैं आनंदाजी ठाकुर बनासकांठा से स्वीगम तहसील पाकिस्तान बॉर्डर से बात कर रहा हूँ नजीक। ओ अनंदा जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, तो आप तो सुईगाम में, अभी तो मैंने सुना है कि वहां वो जैसे पंजाब के अंदर पाकिस्तान की सीमा के सामने बड़ा जी, समारोह होता है, शायद सुईगाम के पास भी होने जा रहा है अब तो। सोएगाम के पास में वो तो सब हम नड़ाबेद छे हाँ, वो। नड़ावेत में मैंने अभी हाँ उसका एक वीडियो। आप भाजपा के सरकार ने सर ऐसा बनाया है नड़ाबेद में कि पर्यटन के लिए पूरे गांधीनगर को भूल जाए वो। अच्छा अंडा जी, जी आपका तो अंबाजी माता जाना होता होगा, अंबाजी में भी बदलाव नजर आ रहा है? अंबाजी में सब बहुत बदलाव नजर आ रहा है। अंबाजी में पूरे गुजरात में और पूरे आउट स्टेट के लोग आते हैं, और अंबाजी में आपकी वाह वाह भाजपा की सरकार और आपकी प्रधानमंत्री जी की आपकी पर बहुत बहुत बातें होती है। अच्छा अंडा भाई, ये जो हमने जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया था आपके सुईग्राम राधनपुर के पास, वो बराबर चल रहा है? सोलर टावर सर लगाया हाँ वो चारण का, सुईगांव में हमारे गांव के सुईगांव के बाजू में चारण का है, राघा निचड़ा है, इसमें सब हाँ बहुत लगाया। जी तभी लोगों को बहुत ध्यान अच्छा में आ लग रहा गया है कि है, कैसे काम होता है। बहुत अच्छा सब है। देखिए, पहले तो हमारा ये रेगिस्तान था, जी, अब तो नर्मदा का पानी आया बनासकांठा में, रोड पहले बढ़िया बन तो गए। हाँ, जी सर, पहले सर हमारे तो यहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे लोग यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मजूरी करने के लिए जाते थे, आधा यहाँ बात रहते थे सही है, आधा आपकी बात उधर। सही है। पहले तो हाँ, और आपकी सरकार ने, मेरे दादाजी ने बताया कि ये भाजपा सरकार है, ये पानी नर्मदा का आया है, इसीलिए पूरे परिवार और पूरा गांव गांव में लोग रहते हैं। लेकिन बाद पहले तो सर मेरे 100 में से 20-30% लोग गांव में रहते थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम काम के वजह वो चले जाते थे सर। चलिए, अब तो बनासकांठा में खेती में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया हो, मैं गर्व से बनासकांठा ने तो गर्व लेता खेती में हूँ। बड़ी प्रगति की। कल तक जी जी सर, रेगिस्तान था, जी आज सर, आपने फलिस्तान बना दिया है उसको, फल पैदा हाँ करते जी सर, हो। हाँ चलिए हरदा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बनासकांठा के खूब सभी खूब नागरिकों को, और जय अंबे सबको।